चुके, सो फाइनली एक प्रैंक सजेस्ट किया है, ये किया है मेरी देवरानी ने। और उसने मुझे बोला था कि दो प्रैंक कर सकते हो, पहला कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, वो इधर ही है मेरे हस्बैंड, वो सो रहे हैं, ड्यूटी से आए हैं तो थोड़ी देर का नैप ले रहे हैं, फिर वो चले जाएंगे। आज परी का ट्यूशन नहीं था तो इसलिए आके वो लेट गया, अदरवाइज़ वो परी को ट्यूशन लेके निकल जाता। तो मेरी देवरानी ने सजेस्ट किया है कि या तो उनको बोलो, उनको प्रैंक करो कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, या दूसरा प्रैंक करो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो 2 लाख की शॉपिंग, मैंने वो यही बात बोली है ना, रिवाइंड करके देखूँ क्या, फिर से रिपीट कर देती हूँ, भूल गई मैं क्या बोल रही थी। पहला प्रैंक सजेस्ट किया है कि 2 लाख की शॉपिंग कर ली मैंने, दूसरा प्रैंक सजेस्ट किया है कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तो 2 लाख की प्रेगनेंसी का ये रत्ती भर भरोसा नहीं करेंगे, इनको पता है मैं बस, मैं आप लोगों के आगे ही नोस कि मैं कितना खर्चा करती हूँ, तो वो ट्रस्ट ही नहीं करेंगे कि 2 लाख रुपये मैं खर्च भी कर सकती हूँ। तो ये तो नहीं होगा। दूसरा घर छोड़ के जाने वाला प्रैंक ये हो सकता है। तो मैंने सजेस्ट किया है कि मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, बैग लेके जाती हूँ, और यहाँ पर मैं बोलती हूँ मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, बहुत हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ, फलाना फलाना, और फिर मम्मी के घर चली जाऊँगी बैग लेके। बस होपफुली आज पापा ना हो घर पे, अगर आज पापा घर पे हुए ना, मेरी तो रेड पड़ जाएगी, बहुत बहुत गंदी हालत हो जाएगी मेरी। तो होपफुली पापा घर पे ना हो, मम्मी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा इस चीज़ में। मम्मी को नहीं बताऊँगी कि ऐसा कुछ कर रही हूँ मैं, देवरानी को पता है ऑब्वियसली, तो उसको मैं बोलूँगी चुपके से शूट करेगी इन चीज़ों को। अभी मैं आ गई हूँ ऊपर वाले रूम में, यहाँ से मैं वो बड़ा वाला बैग उतारने वाली हूँ। उतार तो रही हूँ बैग, लेकिन इसको वापस कैसे रखूँगी देखते हैं। ये ले लेती हूँ, वो बैग वहीं रहने देती हूँ, ये वाला ले लेती हूँ। आई होप कि इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मज़ेदार हो व्लॉग। आइए, पर अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं बहाना लेके क्या जाऊँ कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। ये बहाना लूँ कि आपकी अफेयर पकड़ा गया है तो बोलेंगे गाली दे के चली जा चुपचाप यहाँ से, तेरा माँ बाप रख लेंगे तुझे, डेफिनेटली वो इस ब्लेम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कोई ऐसा सोचना पड़ेगा जो देख के कहें कि हाँ जेन्युइन गलती है। लेट्स सी क्या हो सकता है, हवा कितनी चल रही है। नीचे रख दिया है मैंने बैग, जा रही हूँ ड्रेस चेंज कर लूँ ताकि भरोसा हो जाए कि मैं निकल ही रही हूँ। ठीक है, मेरा बैग खोल के दे दो। किसने की कह दिया? किसी ने कुछ नहीं किया, मेरे को तो जाना, मेरा बैग खोल दो। तो मैंने की कह दी, तू मेरे तेरे वो करेगी, वो लोगों को ना मेरी खुशियां रास नहीं आती है बस। अरे तुम लोगों को कौन की कह रहा, नाम तो बता दे। कोई कुछ नहीं कर, बैग खोल रहा हूँ। बावली बात नहीं, पहले बता। बावली बात नहीं, खोल दो, मैं अब जा रहे हैं भाई। क्यों? आप लोग रोक ना अकेला मजे से, मेरे को किसी के साथ ही रहना है। पर मन अब देख आए थे तैयार है। ये लोग पाओ गए,
आती है कि नहीं? सबसे दुखी हूँ मैं, आपसे भी दुखी हूँ, आपके घर वालों से भी दुखी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो आ तो गए थे टाइम पर लेने, ड्रामा देखा है वीडियो तो पहले ड्रामा ही लगेगा, मेरी परेशानी समझता कौन है? हेलो मम्मी, पापा को भेज दो, मेरे को लेने आ जाएंगे, लेने आओ मुझे। मेरे को सबने दुखी कर रखा है। मम्मी तुम लोग पागल हो, मेरे मायके फोन कर दी पता नहीं कहाँ फोन कर दिया है मुर्गी में। किसको फोन लगाया है? मेरी मम्मी से। मेरी मम्मी क्या बताएंगे क्या हुआ? तो तू भी ना बताएगी, बाप ना बताएगी, मम्मी के बारे क्या होगा? भूखा पैसा भी पी लोगा, चक्कर आ रहा है तो ये होगा बस। बात कर ली, मारे घरवाले कर दिया, क्या कर दिया? हे राम, मर्गी मैं मर्गी मर्गी, ये गुस्सा हो रहा है। मेरी मम्मी को फोन लगा दिया मैं डर गई, कॉफी बना देती यार, नींद से उठे ज्यादा परेशान करती। मम्मी से फोन करके क्या हो जाएगा? पूछ रहा हूँ क्या होगा? नहीं, क्या हो जाएगा मम्मी को फोन करके? मम्मी हल कर देंगी क्या? अरे के बात है, किसने के कह दी, मुझे तो बता दे। जा रही हूँ मैं बस, ना उनके रहूंगी ना आपके रहूंगी। थाने में रहने से हल निकल जाएगा? भाई कुछ दिक्कत है, तेरा घर दिख रहा है छोटा, हल निकल जाएगा। अपने उधर बैठो, कॉफी पी लो। चाय पी लो, चुगली बाद में मार लेना मम्मी से। तेरी मार रहा हूँ, मैं इसकी कह रहा हूँ कुछ यार, ना ऊपर ले जा रही बात, ठीक है मैं ना कर रहा, आप चार महीने तेरे फोन कर, मैं ना कर रहा हूँ। बात नहीं, वैसे परेशान हूँ, मेरे को नहीं बात तो बता, क्या परेशान है, वो करेगा तो आपको क्या फर्क पड़ रहा, चली जाऊंगी तो क्यों इतनी देर में लेट कर, तो मेरी स्वीच बात को ठीक है, मैं तो बैठा रहता हूँ। मैं तो नहीं लेटी, आप कैसे सो गए थे? आके एक बार सोचे कभी बैठ के बात कर लो गिरवानी से, ये मैं घर में काम करा लायक ही बात ही कर दे रहा हूँ। पैक करने के ऊपर धड़धड़ बजाती है, थोड़ी बता दी, मैंने तो धड़धड़ नहीं करी ना करी। है कॉम्बिनेशन ना बैठ रहा, पांच पहले उल्टी पड़ गई, हर चीज से उल्टी, मैं तो कुछ भी बना के दे दूं हर चीज से उल्टी पड़ेगी। इसका मैच है कोई दुनिया में कैसे, तो व्रत में और क्या दूं मैं? अरे तो घर में सामान लाके रखा करो ना, दो मिनट बाद खाऊं चाय कपाल।
एकदम ठंडा वो आगे उल्टी गेर तो उल्टी गेरोगे मेरे खाए गए पे बनाए हुए चीजों पे सुबह लंच बना के दिया वो नहीं लेके जाना अरे बस उसने कितने जाता है 24 घंटे इसने खा के धमकी दे चाल पड़े मार दो मैं गाली देती हूँ आपको माई का ना ससुराल ना बहन तो भी खा के चाल पड़ता नहीं मेरे मैं गाली देती हूँ आपको नहीं मेरा तो कोई किसी है ना क्या मैं भी खा के चाल पड़ू मेरा चाल आपका तो है ही है मेरे तो ससुराल है तो मैं तो बिना मैं भी किसी बहू होती तो गाली देने की क्या जरूरत है ना करती हूँ मैं सामना करूंगा अकेडमी में जाओगे बीरबानी दिख कर रही है अकेडमी दिखती है ना औलाद दिख रही है ना बीरबानी दिख रही तो भी सोचे मूवी दिखा लो घुमा लो जब तक कलेश ना करो तब तक दिख रहा है ये ना प्रैंक वीडियो लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि अपने पति को बोलो मैं घर छोड़ के जा रही हूँ आपके वोट पिंक कैसे हो रहे देख लियो कि राम की चीज़ नागर हो आपको कैसे सच में लगा मैं सच में छोड़ के जा रही हूँ मेरे साथ छोड़ने का होगा कि मजाक मत करो बहुत लंबा व्लॉग हो रहा है हाँ सच में लगा छोड़ के जा रही क्योंकि तेरी रोज की धमकी है चिक 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 मैं कब चिक चिक करती हूँ खा लो भगवान की कसम झूठे खाद भी जा रही थी पर सुनी जा रही थी गई भी ना फिर भी परसों तो हमारे काम अरे वो तो ठीक है मेरा व्लॉग तो एंड करवा जाओ आपके और मम्मी के इतने हाड़े खाने पड़ते यार हाँ हाँ आपको सच में लगा कि प्रैंक हो रहा है ना प्रैंक का ना लगा पर मन्नू कहते तू जा रही मतलब रियल लगा ना एक्टिंग मस्त थी मेरी तेरी मम्मी का फोन आ गया बार बार मेरी मम्मी को बोल परी तैयार होने लगी कि सच में जा रहे मामा अब मेरी मम्मी फोन कर रही फोन मेरा स्विच ऑफ हो गया उसकी तो बैटरी नहीं थी तो ड्यूटी से अर्जेंट कॉल आ गया है नाउ ही इज गोइंग थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग योर वैल्यूएबल और क्या और कुछ नहीं पता नहीं क्या बोल रही थी भूल गई मैं तो परी रो रही है कह रही है मम्मा के जान भाई मम्मी हेलो मम्मी नमस्ते नमस्ते परी एक मिनट रुक जा बेटा उनको बात कर लो कुछ नहीं मम्मी परी हाँ मैं कोई यार आने के लिए भी नहीं ला सकती मम्मा मुझे परी ने बात करवाते ना परी की परी क्या कह रही है मुझे अरे मैं आपके बटे ऊपर प्रैंक कर रही थी यूट्यूब के लिए कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ एक मिनट चुप हो जा बात तो कर लेंगे एक मिनट चुप हो जा रुको ना तो मैं प्रैंक कर रही थी आपके बेटे ऊपर अब आपके बेटे उन्हें मिला दिया आपको फोन प्लान मेरा हो गया वही खराब उनको लगा कि मैं सच में घर छोड़ के जा रही हूँ वीडियो बना रही थी मैं लोगों ने सजेस्ट किया कि प्रैंक करो कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ अपने पति पे हाँ, अरे बाप फिर मैंने परी को बोला कि परी तैयार हो ले जा रहे मामा के नहीं रहना मैं यहाँ पे तो वो अब रो रही है कि मेरे को मामा के जाना है मेरे को मामा के नहीं लेके जा रही लो कर लो अभी इससे बात मम्मी फिर कल स्कूल है इसका ले बेटू कर ले हर चीज में रोते नहीं है हमारी मम्मी आते ही मेरे से पूछ रही है इधर आओ अब मेरी मम्मी आते ही पूछ रही है तू घर छोड़ के जा रही है अभी जो मैंने किया मैं कैसे पता करती ये बैग पड़ा किसी ने बताई है ऐसे पूछ रही हो मैंने आपके बेटे पे प्रैंक किया था किरण ने सजेस्ट किया कि प्रैंक करो या तो मैं घर छोड़ के जा रही हूँ या मैंने 2 लाख की शॉपिंग कर ली तो मैंने कहा 2 लाख की शॉपिंग का तो भरोसा करेंगे नहीं क्योंकि पता है मैं कितनी भली हूँ
मैं घर छोड़ने वाला प्रैंक कर सकती हूँ। तो मैंने बैग उतारा, ऊपर से सूट बदला, अगला जैसे ही सो के उठाना, मैंने कहा मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। कहता क्या हो गया, अब मैंने क्या कर दिया, किसने क्या कह दी तेरे से। मैं कहा नहीं, मैंने रहना ही नहीं, मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। मैं वर्ती प्यासा इधर बैठा बिना बात के घर छोड़ के जा रही है, बात तो हुई होगी कुछ। मैं कोई बात नहीं, मेरी मम्मी को फोन मिला दिया। मैं कहा ये कांड कर दिया भाई, मम्मी को गलत फोन मिला। और मैंने पहले पता क्या सोची थी, इधर से बोल के जाऊंगी मैं जा रही हूँ, बैग लेके निकल जाऊंगी, उस घर पे आऊंगी, वहां मैं आपके आगे बोलूंगी मैं छिपली आपके बेटे सब, मैं जा रही हूँ, फिर आप भी कहोगी क्या हो गया ये, और किरण वीडियो बनाएगी मेरी। पर किरण ने मैसेज ही नहीं देखा मेरा, फिर मैंने सोचा यही निपटा देती हूँ। किरण अभी तो आया था उसका मैसेज, फिर मैंने कहा वो सो रही होगी या फिर पता नहीं रिप्लाई नहीं आया। मैंने कहा घर के घर कर लेती हूँ, क्योंकि उठ गए थे वो, इतना प्लान को वो करने का टाइम ही नहीं मिला। आए थे थोड़ी देर के लिए परी को ट्यूशन के लिए लेने के लिए, फिर परी की छुट्टी थी। रुक रुक करती रहा है।